दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। सितंबर का महीना ना तो ठंडी का महीना होता है और ना ही गर्मी का। इस समय दिन गर्म रहते हैं लेकिन रातें जो हैं वो ठंडी होने लगती हैं, और ये माहौल कई फसलों के लिए ठीक होता है, जैसे शिमला मिर्च, आलू, चुकंदर, गाजर, लहसुन, प्याज, जुकनी, शलजम, मटर, खीरा और भी बहुत सारी फसलें हैं। लेकिन खेती में हर समय हर फसल अच्छा मुनाफा नहीं दे पाती, और इसीलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सितंबर के महीने में वो कौन सी टॉप 5 फसलें हैं जो आपकी आमदनी को कई गुना तक बढ़ाने की क्षमता रखती हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, इससे लगता है कि हाँ मेरा प्रयास सही दिशा में जा रहा है। तो 5वीं नंबर पर है सरसों। दोस्तों, सरसों की फसल ने सबसे ज़्यादा तो मोदी जी को कहलवाया है। विपक्ष के लिए इसके रेट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गए थे और सरसों ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर 8,000 से 8,500 रुपये प्रति क्विंटल सरसों मार्केट में बिकी है, और आज के डेट में भी ये 7,400-7,500 के आसपास है। MSP की अगर बात करें तो वो भी 5,050, मतलब उसको भी अच्छा कर दिया गया है। तो अगर आपके पास समय कम है, आपका बजट कम है, तो आप सरसों की खेती लगाई करिए, आपका ये बजट सुधार देगा। बस आपको क्या करना है कि वैरायटी ध्यान से चुनना है। मैं कुछ टॉप की वैरायटीज़ का नाम आपको बता दे रहा हूँ, आप इन दोनों में से कोई भी एक वैरायटी लगा सकते हैं। जैसे देखिए, पहला तो आता है पायनियर कंपनी का 45S46। ये वैरायटी 125 से 30 दिनों का होता है, काले और भूरे रंग के दाने होते हैं, पौधा इसका 5 से 6.5 फीट के आसपास होता है, लेकिन तेल इसमें 45% तक पड़ जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है, और ये आपको एक एकड़ में 13 से 15 क्विंटल तक उपज दे सकता है। उसी प्रकार दूसरा है प्रो एग्रो कंपनी का PA5210। ये भी 125 से 30 दिन की वैरायटी है, 5.5 से 6 फुट का पौधा होता है, और ये भी आपको 13 से 15 क्विंटल तक प्रति एकड़ दे सकता है। ये दोनों ही वैरायटियाँ बहुत अच्छी होती हैं, कोई भी आप चुनाव कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के टक्कर की वैरायटी हैं। मोटी भाषा में समझें तो एक एकड़ से सरसों आपको 1,00,000 रुपये दे सकता है। अब चौथे नंबर की फसल पर आते हैं, ये है आलू। हाँ दोस्तों, आलू को ऐसे ही सब्जियों का राजा नहीं कहा जाता है। आज मैं आपको आलू की सफल खेती का एक ऐसा राज बताऊंगा जो सिर्फ आलू के सफल किसान ही जानते हैं। दोस्तों, आलू की खेती एक ही बार में 2 बार की जाती है। चलिए थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बार आलू लगाया जाता है 10 से 15 सितंबर के आसपास। इस समय अर्ली वैरायटीज यूज़ की जाती हैं, जैसे कुफरी ख्याति हुआ, कुफरी मोहन हुआ, मिड वैरायटी में अगर आप बात करें, और चिप्सोना 1 जो कि अर्ली में अच्छा काम करता है। तो इसकी पहली बुआई अगर आपने 15 से 20 सितंबर तक कर दी तो ये आलू आपका पहली बार मार्केट में कच्चा खुद के बिकेगा, जो कि लगभग 15 से 30 नवंबर के बीच में ये आपका मार्केट में आ जाएगा। उस समय आलू के बहुत अच्छे रेट रहते हैं, 18 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये किलो के आसपास रेट चलते रहता है नए आलू का। और आपको फिर खुदाई करा के तुरंत दूसरा आलू फिर लगा देना है। इस समय आप लंबे वैरायटी वाली भी आलू ले सकते हैं, या मीडियम वैरायटी वाली, या छोटी वैरायटी वाली भी। और ये जो आलू आपका खुदेगा, ये जाके कहीं फरवरी के अंतिम में खुदेगा। तो ये पका आलू होता है, ये आप कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, बीज के लिए रख सकते हैं, ताकि या फिर अच्छे रेटों के लिए रख सकते हैं कि बाद में आपको बेचना है। ये आपका एक फिक्स डिपॉजिट हो जाता है, समझ सकते हैं। और आलू की दोनों फसलों को अगर मिला दें तो आराम से आप 250 कुंटल, और अगर आपने अच्छे से खेती की है तो 350 से 400 कुंटल प्रति एकड़ आप पैदावार ले सकते हैं। ये आपको 6 महीने में 1.5 लाख से 4 लाख रुपए प्रति एकड़ देने की क्षमता रखता है। दोस्तों, आलू के सीज़न से पहले मैं एक डिटेल वीडियो आलू के ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए और ट्रिप्स और ट्रिक्स आपको मिलते रहें। अब तीसरे नंबर पर है खीरा। दोस्तों, जो किसान कुछ अलग नया ट्राई करता है ना, उसी को नया अनुभव मिलता है। अगर आपने कभी खीरे की खेती ठंडियों में नहीं की है तो एक बार करके देखिए। दिवाली और दशहरा और लगन की वजह से इस समय इसका रेट 40 से 50 रुपए के ऊपर ही रहता है या आसपास रहता है। ठीक है, इसका एक कारण और भी है, ठंड में
खीरा महंगा होने का। खीरे की जो ज़्यादातर खेती होती है वे नदी के किनारे जो बालू वाला जगह होता है, जहाँ से पानी खिसक के नीचे चला जाता है, उन जगहों पे खीरे की बहुत खेती होती है गर्मियों में। लेकिन इस समय वहाँ पे पानी भरा रहता है तो वहाँ पे खेती हो नहीं पाती है, जिसके कारण मार्केट में खीरा कम आता है और रेट इसका बना रहता है। और प्रोडक्शन खीरे में अगर आपने बढ़िया वैरायटी का चुनाव किया है तो आप ये समझ लीजिए 6 महीने में 200 से 250 क्विंटल तक आपको खीरा आराम से दे देगा। मतलब अगर मोटा मोटी बात करें तो प्रति एकड़ 4 से 6 लाख रुपए देने की क्षमता रखता है। अब दूसरे नंबर पे है शिमला मिर्च। ये फसल भी लगभग 6 से 7 महीने तक चलती है, लेकिन आजकल ये इतना डिमांड में है क्योंकि होटल वाले और ठेले वाले इसका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइनीज़ आइटम्स में और बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कि लोग भी अपने घर पे आलू शिमला मिर्च और शिमला मिर्च को कई तरीकों में यूज़ करते हैं। इसका डिमांड काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन किसान ने अभी उतने अच्छे तरीके से शिमला मिर्च को करना शुरू नहीं किया है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, या जानकारी का अभाव हो सकता है, या हो सकता है लोग सोचें कि मेरे यहाँ शिमला मिर्च बिकेगी नहीं। दोस्तों, शिमला मिर्च हर जगह बिकती है, हर मार्केट में आती है। अगर वहाँ के किसान नहीं करते हैं तो बाहर के मार्केट से आती है, लेकिन बिकती है, हर मार्केट में बिकती है। और त्यौहार और लगन के टाइम पे इसका रेट आसमान छूता है। आप 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये किलो तक आराम से इसका रेट पहुँचता है, और ये आपको पैदावार भी ज़बरदस्त दे सकता है। अगर आप शिमला मिर्च की खेती सीख गए तो आप ये समझ लीजिए कि 450 से 500 क्विंटल तक भी प्रति एकड़ आप पैदावार ले सकते हैं, और आपको ये एक फसल अवधि में ही 8 से 10 लाख रुपए तक आपको देने की क्षमता रखता है। और अब बारी है पहले नंबर की। दोस्तों, पहले नंबर पे फसल आती है मटर। मटर की बुआई अगर आपने 10 सितंबर के आसपास कर दी तो ये मटर आपको कितना पैसा देगी, इसका वाकई में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बस आप ये जान लीजिए कि पहले नंबर पे है तो 10 लाख के ऊपर ही देगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट फिगर मैं आप लोग को बताऊंगा तो शायद आप लोग विश्वास ना करिए। लेकिन देखिए, इसको करने का तरीका है, आपको अर्ली वैरायटी शुरू में लेनी है। अर्ली वैरायटी मतलब जैसे AP3 आज़ाद P3 मटर होता है, या काशी नंदिनी होता है, या आपको 10 से 15 सितंबर तक बढ़िया नमी करके बुआई करना होता है। इसको सीड ड्रिल से बुआई करिए। सीड ड्रिल में आपका लगभग 35 से 40 kg पर एकड़ लगता है, और जो सीड ड्रिल में जो छेद होते हैं, एक एक बीच में छेद आपको बंद कर देना है ताकि दोनों जो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस रहे वो सही रहे। और ये जब बाज़ार में आपकी पहली बार, जब अगर आपने इस समय लगा दिया तो पहली बार बाज़ार में आपकी ये 10 नवंबर के आसपास पहली तुड़ाई हो जाती है, और 10 नवंबर के आसपास रेट 200 रुपये किलो के आसपास रहता है। उसी प्रकार धीरे धीरे जैसे 20 से 30 नवंबर तक इसका रेट 100 से 120 रुपये तक रहता है, और 10 दिसंबर तक इसका रेट 60 रुपये के आसपास पहुँच जाता है, और फिर उसके बाद ये 60 से 30 रुपये 25-30 रुपए के आसपास रहता है। तो देखिए, ये सब टाइमिंग का खेल है। एक डिटेल वीडियो इस पर भी 2-3 दिनों में आएगी, तो अगर आप चाहते हैं कि वो तुरंत आप तक पहुंचे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।